आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शर्ट का जो बाजू है वो सबसे आसान तरीका आप कैसे काट सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये 38 यानी चेस्ट है, ठीक है। तो इस साइज का मैं बाजू कटिंग करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सब पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा ए से जेड तक मालूमात हो जाए। तो दोस्तों, पहले आपका बाजू का, जिससे ये चेस्ट हो गया, तो इसका बाजू जो है, लंबाई जो है वो 24 इंची है, ठीक है। ये लेंथ जो है बाजू का 24 इंची है। तो पहले आपको यहाँ से एक मारिक ले लेना है। आप कपड़े के हिसाब से ले, मैं मारिक आपको ज़्यादा कपड़े में दिखा रहा हूँ, तो आपको अगर कम कपड़ा है तो कम मारिक ले, ठीक हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से इसका लंबाई लेना है। इसका लंबाई है दोस्तों 24 इंची, ये 24 इंची है। तो इसमें से हम 1 इंची कम करके 23 इंची पे बारीक लगाएंगे, 23 इंच, ठीक है। और उसके बाद में हमने 5.5 इंची के ऊपर मारिक लगाना है। तो दोस्तों, ये 38 इंच चेस्ट है और बाजू लंबाई है 24 इंची। तो इसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें। इसमें आपको मैं बहुत ही आसान आसान तरीका से फॉर्मूला मैं ये बाजू बताने वाला हूँ, से कोई अभी नया नया भी सीख रहा होगा तो उसके लिए भी आसानी होगा। उसके बाद में बाजू का मारिक लगा दे। तो दोस्तों, आप सब मेरा नए चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ऐसे आपको कटिंग देखने को मिले। तो इसका बाजू जो है मुझे तैयार 8.5 इंची रखना है, ठीक है। ठीक है, 1 इंची कम करके 8.5 इंची में तैयार मारिक लगा रहा हूँ। ये 8.5 इंची मेरा बाजू तैयार हो गया, ठीक है। तब इसके बाद में 1/2 इंची का एक मारिक दे दे। ये 1/2 इंची का मारिक हो गया। उसके बाद में दोस्तों, यहां से 2 इंची का मारिक दे। ये 2 इंची का ऊपर मारिक हो गया। उसके बाद में दोस्तों, यहां से जैसे 8.5 इंची है, तब यहां से इसका 9.25 इंची, ठीक है। ये मारिक यहां से 9.25 इंची हो गया। उसके बाद में दोस्तों, ये 8.5 इंची है, तो ये जो मारिक लगा है यहां से, ये 1/2 इंच मारिक लगा है, तो यहां से इंची टेप रखेंगे और ये 9.25 इंची है, तो 9.25 इंची का एक मारिक लगाएंगे सेंटर का। ये 4.5 एक लाइन हो गया, तो ये सेंटर का मारिक हो गया। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, यहां से लेकर के यहाँ का बीच का सेंटर का मारिक लगाना है। ये 3.5 इंची हो गया, तो 2.25 इंची और ये 2.25 इंची, दोस्तों। ये बाजू मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूं कि कई कोई आदमी घर में भी कटिंग सीखना चाहे, लेडीज हो जेंट्स हो, तो बेहद
आसान तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए ये बाजू में बता रहा हूँ कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप एकदम आसान तरीके से इसका सेंटर भी ले सकते हैं, इसका बाजू का लूजिंग भी दे सकते हैं, ये इस तरीके से ये बाजू मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाफ इंची का एक निशान लेना है और इसका सेंटर जो है ना ये आएगा, और यहाँ से पौना इंची का, ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ से पौना इंची का और यहाँ से हाफ इंची का, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला स्केल है आपके पास, तो इस तरीके से ये जो मारिक है ये पूरा आपको मिला करके फिर उसके बाद में मारिक लगाना है। ये आपका फ्रंट का हो गया, ठीक है। अब यहां से हमने पौना इंची का निशान लगाना है और उसके बाद में यहां से हमने 1.5 इंची का निशान लगाना है। ये फर्स्ट में लगाएंगे तो 1.25 इंची का, बैक में लगाएंगे तो 1.5 इंची का, उसके बाद में इसको भी इसी तरह से ठीक है। इस तरीके से आपको मारिक लगाना है, ये यहाँ तक मैं मारिक नहीं लगाया क्योंकि आपको यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, कटिंग हो करके ये आपको यहाँ से सिलाई होगा, इसलिए इसका लंबाई, इसका कफ है 10 इंची। अब ये जो मारिक है आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये मारिक मैं इसलिए दिया हूँ नीचे तक, आपको सिलाई यहाँ पे जाएगा। अब जैसे कोई आदमी बाजू लगाते हैं तो यहाँ से जड़ से लगा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे सिलाई अगर 1/2 इंची का हो रहा है तो ये मेरा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो नए आदमी को समझ में नहीं आता इसलिए मैं ये डबल मारिक करके दिखा दिया हूँ, से आपको यहाँ से ये आपको तैयार यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको सिलाई का भी मैं एक मारिक लगा कर दिखा दे रहा हूँ, अब इस मारी के ऊपर आपका सिलाई आएगा, ठीक है। सिलाई आएगा तो ये आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं मारी के लगा देता तो यहाँ पे अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो ये तो आपका टाइट हो जाएगा, मुंडा मुंडा टाइट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से, क्योंकि आप ये 2 इंची का मारी के दिए हैं तो आपको पता है कि मुझे यहाँ तक सिलाई का भाग देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी मारी दे करके आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये सब ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही यानी काम का चीज़ है ये। आप कहीं पर भी जा कर के कटिंग कर सकते हैं, अपने शर्ट में ये कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगा। और रह गया कि आपका यहाँ से जो फूलता है सामना में वो कभी भी नहीं फूलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी आराम से घुमा सकते हैं, ठीक है। जिसे मैं और भी वीडियो में हाथ से घुमा करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास ये स्केल है तो इसका भी आप यूज कैसे करेंगे आपको मैं बताया हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप सब मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप सब
ये वाला नीचे वाला जो है ये फ्रंट हो गया, आ ये बैक हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आपको कटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। ये स्लीव हो गया आपको, ये 38 चेस्ट का मैं बताया हूँ और 24 लंबाई है, तो आप इसके हिसाब से आप खुद मार्क लगा करके कर सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ से मैं सेंटर इसलिए रखा हूँ से आपको जो गुलाई है वैसे लगे यहीं से गुलाई करना शुरू कर दे, या आप यहाँ से जाके एकदम राउंड करें, तो इसलिए मैं इसका सेंटर का भी मार्क लगा करके आपको दिखा दिया हूँ। तो आप सब को और लेडीज और जेंट्स में कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप सब मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसान आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग में बताता हूँ। तो आप सब मेरे चैनल में जाए, वहाँ से मेरा वीडियो देखे, आपको पार्ट पार्ट का मिल जाएगा, सफारी शेरवानी आपको, और लेडीज कोट पैंट का, लेडीज पैंट का, लेडीज आपको शर्ट का, लेडीज सलवार कुर्ते का, लेडीज ब्लाउज का, आपको सब कटिंग मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो आप सब जाए वहां से देखे, आप बहुत ही आसान आसान फॉर्मूला को मैं यूज करता हूँ, जैसे अभी मैं आपको यूज करके दिखाया हूँ, ये काफी लोगों को पता भी नहीं होगा से इसको यूज कैसे करते हैं, वो इतना मारिक देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे से यार इतना मारिक है। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे कटिंग में बताता हूँ, अलग के हिसाब से बताता हूँ कि आपको जो है ना एक नया तरीका सिखाऊं मैं। तो आप सब देखें वीडियो और शेयर करें।